सिर्फ दो बूंद कान में डालते ही कान का सारा मैल बाहर, वो भी बिना किसी नुकसान के। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम हर रोज नहाते हैं, महीने में एक बार अपने बालों को भी कटवा लेते हैं, हफ्ते में एक बार नाखून भी काट लेते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने कानों को साफ करना भूल जाते हैं। या फिर ये कहें कि आपको कान साफ करने का सही तरीका नहीं पता। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर वो ही बताने वाले हैं कि आप अपने कानों को साफ कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ दो बूंद डालने से ही आपके कान साफ हो जाएंगे। आपके कान आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी अंग है। आपके कानों की समय समय पर सफाई बेहद अधिक जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर कानों में खुजली, जलन या इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। कानों की मैल साफ नहीं करने से बहरेपन का भी खतरा बना रहता है। कुछ लोग कान की सफाई के लिए सेफ्टी पिन कान में डालते हैं, जो उनके लिए बेहद अधिक घातक हो सकता है, जिससे आपके कानों के पर्दे डैमेज हो सकते हैं। आप भूलकर भी सेफ्टी पिन का प्रयोग कान के अंदर ना करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से अपने कान की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, कान हमारे शरीर का एक बेहद संवेदनशील अंग है। इसके साथ कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आपको लेने के देने पड़ जाए। कान में मैल जम जाना या खोंट हो जाना एक सामान्य बात है। इसे ईयर वैक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह सच है कि कई घरेलू उपायों से सावधानी बरतते हुए इस समस्या का इलाज किया जा सकता है, लेकिन इस काम में आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अगर खोंट बहुत कड़ी होकर जम गई हो तो बेहतर होगा कि इसे निकलवाने आप डॉक्टर के पास ही जाएं। कान को लेकर किसी भी तरह का जोखिम आपको नहीं उठाना चाहिए। कान की मैल को करकुमिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कान की मैल एक लुब्रिकेंट होता है जो डेड सेल से बना होता है। इसके अलावा इसमें फैट और सूक्ष्म बाल भी मिले होते हैं। हालांकि ईयर वैक्स कानों की सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन जब यह बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं तो सुनाई देना कम हो जाता है। कई बार इसकी वजह से कान में दर्द और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कानों में जमी मैल को साफ करने का घरेलू उपाय। सबसे पहले गर्म पानी। पानी को हल्का गुनगुना होने तक गर्म कर लें। इसके बाद ईयरबड की सहायता से अपने कान में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालें। गर्म पानी आपके कानों की मैल को साफ करता है। इसके बाद कान को झुकाकर गर्म पानी कान से निकाल दें। ये कान की मैल साफ करने का बेहद आसान तरीका है। नमक और गर्म पानी। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें। इस मिश्रण को ईयरबड पर लगाकर कान में घुमाएं। इससे आपका कान पूरी तरह से आसानी से साफ हो जाएगा। अब जानते हैं चमत्कारी नुस्खे के बारे में। अदरक और नींबू का रस। अदरक के रस में नींबू का रस मिला लें। अब इस मिश्रण को ईयरबड पे लगाकर कान में घुमाएं। ऐसा करने से आपके कानों का पीएच लेवल बना रहता है। ये आपके कानों को पूरी तरह से साफ करने में आपकी मदद करता है। बादाम या सरसों का तेल। बादाम के तेल की तरह ही सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल की गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए। तेल के इस्तेमाल से जो कान की मैल होती है वो ढीली पड़ जाती है और आसानी से आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इन चारों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अदरक और नींबू का रस आपके लिए अधिक कारगर है। उसकी दो बूंद कान में डालिए और उसके बाद ईयरबड की तरह सहायता से अपने कान को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।